इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण भारत सरकार ने तेल अवीव के लिए एयर इंडिया की सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इसराइल पर ईरान के हालिया हमले ने एक नए मध्य पूर्व संघर्ष को जन्म दिया है। ईरान ने अपना बचाव करते हुए दावा किया है कि यह हमला सीरिया में उसके वाणिज्य दूतावास कार्यालयों पर इसराइल द्वारा किए गए कथित हवाई हमले के जवाब में था। इसराइल का दावा है कि ईरान द्वारा 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की गईं, लेकिन उन्होंने उनमें से 99% को सफलतापूर्वक रोक दिया। इस हमले से गाजा में युद्ध की आशंका बढ़ गई है, जो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और यूके के पीएम ऋषि सुनक जैसे विश्व नेताओं ने ईरान के कार्यों की निंदा की है, अपितु चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने और चीन ईरान संबंधों के विकास को बढ़ावा देने की इच्छा व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी प्रमुख को यह भी चिंता है कि इजराइल ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला कर सकता है। हालांकि ईरान इजराइल संबंध हमेशा से उतने तनावपूर्ण नहीं रहे जितने आज हैं। ईरान 1948 में इजराइल के गठन के बाद इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले पहले देशों में से एक है। अगर इन दोनों देशों के बीच चले आ रहे आपसी संबंध के इतिहास को देखें तो 1948 में अरब राज्यों के इजराइल के विरोध के कारण पहला अरब इजराइल युद्ध हुआ। ईरान उस संघर्ष का हिस्सा नहीं था और इजराइल के जीतने के बाद उसने इस यहूदी राज्य के साथ संबंध स्थापित किए। तुर्की के बाद ऐसा करने वाला यह दूसरा मुस्लिम बहुल देश था। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के विश्लेषण के अनुसार इसराइल ने अपने पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के तहत परिधि सिद्धांत के साथ उस समय अरब राज्यों की शत्रुता का मुकाबला करने की कोशिश की थी। उन्होंने मध्य पूर्व में गैर अरब देशों के साथ गठबंधन बनाने का प्रयास किया। इन गैर अरब साझेदारों में प्रमुख थे तुर्की और क्रांति पूर्व ईरान, वे देश जिनका तब पश्चिम की ओर एक समान रुझान था और मध्य पूर्व में अलग थलग महसूस करने के उनके अपने कारण थे। शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के अधीन पहलवी राजवंश ने तब ईरान पर शासन किया था। दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखा। अरब राज्यों द्वारा इसके आर्थिक बहिष्कार के बीच ईरान ने भी इसराइल को तेल बेचा। 1979 की इस्लामी क्रांति में शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी को समाप्त करने के बाद ईरान में एक धार्मिक राज्य की स्थापना हुई। इसके बाद से ईरान का इसराइल के प्रति शासन का दृष्टिकोण बदल गया और इसे फिलिस्तीनी भूमि पर कब्जा करने वाले के रूप में देखा जाने लगा। ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खुमैनी ने इसराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को महान शैतान कहा। दोनों को क्षेत्र में हस्तक्षेप करने वाले देशों के रूप में देखा। ईरान ने भी इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश की। दो प्रमुख शक्तियों सऊदी अरब और इसराइल को चुनौती दी, जो दोनों अमेरिकी सहयोगी थे। समय के साथ इसराइल और ईरान के बीच संबंध खराब हो गए हैं। दोनों देश छद्म और सीमित रणनीतिक हमलों के माध्यम से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने लगे। इसराइल ने समय समय पर ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हमला किया है। उन्हें परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए कई सुविधाओं और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है। माना जाता है कि 2010 में अमेरिका और इसराइल ने स्टक्सनेट विकसित किया था, जो एक दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर वायरस था, जिसका उपयोग ईरान के नटांज परमाणु स्थल पर यूरेनियम संवर्धन सुविधा पर हमला करने के लिए किया जाता था। वहीं ईरान को क्षेत्र में इसराइल विरोधी और अमेरिका विरोधी आतंकवादी समूहों को वित्त पोषण और समर्थन देने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जिससे व्यापक संघर्ष की चिंता बढ़ जाती है। हालांकि गाजा पट्टी में हजारों नागरिकों की मौत पर वैश्विक और घरेलू आलोचना के बावजूद राष्ट्रपति जो बिडेन इसराइल के खुद की रक्षा करने के अधिकार के काफी हद तक समर्थक बने हुए हैं।